सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है वापस से टेक्नोबग गेमिंग में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी जी टी ए 5 एपिक गेम से डाउनलोड करा था और अगर आप उसको मॉड करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो अभी तक कोई भी ऑफिशियली इसकी मॉडिंग स्क्रिप्ट नहीं आई है, बट फिर भी हम लोग आज उसको मॉड करते हैं। बट ये जो मॉड है सिर्फ जो काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा स्टोरी मोड है उसी के अंदर काम करेगा। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले 3 फाइल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहली है 5M, इसके बाद आती है स्क्रिप्ट हुक वी, और इसके बाद है ट्रेनर जो हमको चाहिए। एक नॉर्मल सा ट्रेनर है जो हम लोग आज यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो ये तीनों फाइल्स हमको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप क्या करिए, गूगल पे जाइए, वहाँ पे 5M.net यहाँ पे आप सर्च करिए, और इवन मैं यहाँ पे नीचे डाउनलोडिंग जितनी भी लिंक्स है सारी मैं नीचे प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो आप इजीली जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डाउनलोड क्लाइंट कर लीजिए, यहाँ पे आप इस पे जाइए, यहाँ पे श्योर आई एग्री, इसके बाद आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं आपको उसमें बेसिक बेसिक जो चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे आपको इसमें इंस्टॉल करना है वो। इसके बाद आप यहाँ पे चले जाइए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये डाउनलोड करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि उसके साथ आपको क्या करना है, और यहाँ पे आप ट्रेनर को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हो तो यहाँ पे जो 5M की जो आप इसको जैसे ही लॉन्च करोगे तो लगभग यहाँ पे ये 1.5 GB के आसपास इंस्टॉलेशन लेता है। इसमें कुछ अपडेट है तो आपको कम से कम 1.5 GB का डेटा आपको होना चाहिए आपके सिस्टम के अंदर, यानी आप इसको इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 1.5 GB का अपडेट कुछ है, तो 1.5 GB का अपडेट होगा, उसके बाद ये ओपन करता है। यहाँ पे हमारे पास रॉकस्टार गेमिंग की जो यहाँ पे रॉकस्टार गेमिंग का जो लैंडिंग पेज रहता है वहाँ पे लेके जाता है आपको, और वहाँ पे आपको रॉकस्टार गेमिंग से ही आपको इसको लॉगिन करना पड़ता है। तो सिंपल सा आप वहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। जो लॉगिन स्क्रीन रहती है मैं आपको दिखा देता हूँ, जो रॉकस्टार सोशल की जो लॉगिन स्क्रीन रहती है वैसी लॉगिन स्क्रीन आती है वहाँ पे, और आप उसको इंस्टॉल करते वहाँ पे आप जाके नॉर्मल अपना जो ID पासवर्ड है उससे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद कुछ ऐसी स्क्रीन आती है, बट वो 5M की स्क्रीन रहती है, तो यहाँ पे आपको उसको जाके आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे 5M की लॉगिन स्क्रीन आ जाती है। इसके बाद आपको करना क्या है, जो मेन जो एक बात है मैं आपको बता देता हूँ, जब आप 5M इंस्टॉल करते हो तो आपको बैकग्राउंड के अंदर आपके उसमें जो स्टीम है वो भी डाउनलोड यानी वो भी रन होना चाहिए। स्टीम आपके उसमें रन होना चाहिए जब आप इसको डाउनलोड कर रहे हो, और आप जब इसको इंस्टॉल कर रहे हो तब बैकग्राउंड में स्टीम भी चलना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करते हो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या स्टेप करना है आपको। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइल्स डाउनलोड करी थी ट्रेनर वी और स्क्रिप्ट हुक वी की, स्क्रिप्ट हुक वी और ट्रेनर वी की जो हम लोगों ने फाइल यहाँ पे डाउनलोड करी थी, अब उसको हम लोगों को नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करना है, और हमें यहाँ पे जो व्यू के अंदर जाके आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे हिडन फाइल्स को यहाँ पे अनेबल करना है। पहले ये डिसेबल रहता है, तो आपको बस नॉर्मल जाके इसको अनेबल करना है। अनेबल करने के बाद आपको जहाँ पे स्क्रिप्ट वी जहाँ पे भी इंस्टॉल हुआ है आपके सिस्टम के अंदर, तो मेरे उसमें हुआ है विंडो सी के अंदर, यानी सी ड्राइव के अंदर मेरे उसमें इंस्टॉल हुआ है। इसके बाद आपको जो भी आप यूज़र से लॉगिन हो आपके सिस्टम के अंदर, जैसे मैं हूँ देव से लॉगिन, तो आप देव में चले जाइए, यानी जो भी आपके उसमें जिस भी यूज़र से आप लॉगिन हो आप उसमें जाइए। उसके बाद आपको जाना है ऐप डाटा के अंदर, ऐप डाटा के अंदर जाने के बाद आपको जाना है लोकल में, लोकल के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना है स्क्रिप्ट यानी 5M कहाँ पे इंस्टॉल है। तो यहाँ पे मेरे उसमें 5M यहाँ पे इंस्टॉल है। इसके बाद आपको यहाँ पे जाना है 5M एप्लीकेशन डेटा के अंदर, तो यहाँ पे आप जैसे इसको ओपन करते हो तो यहाँ पे 5M की जितनी फाइल से ओपन हो जाती है। इसके बाद आपको जाना है प्लगइन्स के अंदर, तो ये प्लगइन वाला फोल्डर पहले एम्प्टी रहता है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। तो जैसे ही आपने इसको एक्सट्रैक्ट करा था, तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो दोनों फाइल्स थी स्क्रिप्ट वी और ट्रेनर वी वाली, तो ये कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। तो आपको सबसे पहले जाना है स्क्रिप्ट वी में, और स्क्रिप्ट वी के अंदर जाने के बाद आपको जाना है bin के अंदर, और यहाँ पे स्क्रिप्ट हुक वी डॉट dll, और ये वाला जो ऊपर वाली फाइल है इसको कॉपी करिए, आप कॉपी कर लो, और इसके बाद आपको जाना है वापस से जहाँ पे हमारा प्लगइन है 5M का जो प्लगइन है उसके अंदर, और यहाँ पे जाके आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि मेरे उसमें ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है इसलिए। इसके बाद यहाँ से आप वापस बाहर आ जाइए, और इसके बाद जो ट्रेनर वी है आप इसमें चले जाइए, और ये नीचे की दोनों फाइल से आप इसको कॉपी करिए, और यहाँ पे आके वापस आप इसको पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको बस इतना से ही काम करना है। तो आपका जो
गेम है वो मॉड हो चुका है ऑलरेडी। तो अब इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको डायरेक्ट जो हमारा GTA 5 का जो लॉगिन स्क्रीन रहता है जिससे हम लोग इसको प्ले करते हैं, इससे आपको नहीं करना है। आपके उसमें 5M सिंगल प्लेयर वाला ये जो ये आ जाता है स्क्रीन, आपको इससे प्ले करना है। तो मैं आपको गेम एक बार प्ले करके बता देता हूँ कि कैसे ये मॉड हुआ है और कैसा आपको अंदर देखने के लिए मिलता है इसके अंदर। तो मैं इसको यहाँ पे प्ले कर देता हूँ। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल बिल्कुल नया है तो मुझे थोड़ी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी, तो आप चैनल को सपोर्ट करिए। और अगर आपको ऐसे और कंटेंट देखते हैं इन फ्यूचर तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। और मैं डेली अभी यहाँ पे GTA 5 की गेम प्ले डाल रहा हूँ, साथ ही साथ हम लोग और आने वाले टाइम में बहुत सारे गेम्स का हम लोग गेम प्ले डालने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही ओपन होता है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है इसमें आगे। सो गाइस जैसे हम लोग इसको मॉड करते तो आप ऊपर देख सकते हो 5M यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा ऊपर राइट साइड में। तो अब आपको जो मॉड मेन्यू है आपको उसको एक्सेस कैसे करना है मैं आपको सिंपल ये वो बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, आप अपने कीबोर्ड पे F3 यहाँ पे प्रेस करिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मॉड मेन्यू जो है हमारा खुल गया है। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। ये आपके नॉर्मल WM और से कंट्रोल नहीं होगा, ये होगा जो आपके डायल पैड है जो आपके सिस्टम का जहाँ पे 1 2 3 जो पूरे न्यूमेरिकल जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे राइट साइड में आपके कीबोर्ड के, उससे पूरा ये एक्सेस होगा। तो यहाँ पे आप 8 से इसको अप एंड डाउन, 8 से अप कर सकते हो, 2 से डाउन कर सकते हो, 5 से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ से आप सारी चीज़ें इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन से आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस में इसमें छेद कर सकते हैं, जैसे स्पीडोमीटर हम लोग यहाँ पे हमारे इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे स्पीडोमीटर आप इसको अनेबल कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग स्पीडोमीटर अनेबल कर देते हैं। फिर मोबाइल रेडियो डिस्प्ले और एयर ब्रेक्स और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और हम लोग मैक्स आर्मर, मैक्स हेल्थ, ये आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गेमर्स हैं उनके उसमें आपने देखा होगा कि वो लोग कभी मरते नहीं हैं, उन भले कितनी बड़ी सी बड़ी फाइट में वो चले जाए तो वो लोग नहीं मरते। तो यहाँ पे आप लोग ऐड मनी भी कर सकते हो, $1 लाख आप यहाँ पे अपने उसमें ऐड कर सकते हो। तो आप ऊपर साइड में देख रहे हो कि वहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अगर 3 4 बार ऐड करके देखते तो कितने अमाउंट हमारे उसमें आया है एक बार वो चेक कर लेते। तो लगभग आप देख सकते हो $1 मिलियन से ज़्यादा हमारे उसमें ऐड हो चुका है और हमारे उसमें सिर्फ $300 कुछ थे। तो अब एक बार हम लोग और इसको चेक करते हैं और उसको ऐड करके देखते हैं वापस से मनी को। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कितना है, 1 लाख यानी 1 मिलियन 2 लाख डॉलर समथिंग कुछ है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार और ऐड करते हैं और अब आप यहाँ पे देखिए कितने हो चुके हैं, 1 मिलियन 3 लाख डॉलर की समथिंग कुछ यहाँ पे हो चुका है। तो यानी आप ऐसे इसमें पैसे भी बढ़ा सकते हो और यहाँ पे जो भी चाहे आप खरीद सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हो ऐसे। फिर अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर आप कैसे इसमें आप और इसके अंदर आप एक चीज़ और है जो गॉड मेन्यू आपने सुना होगा, जिसमें आपका कभी भी जो प्लेयर है नहीं मरेगा या फिर उसकी हेल्थ नहीं कम होगी। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे गॉड मोड हमारा ऑन हो चुका है और हमेशा वो ऑन रहेगा, हमारे इसमें इतनी जल्दी हम लोग नहीं मरेंगे इसके अंदर। तो ये चीज़ें इसमें हो चुकी है और आपको इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा क्योंकि बहुत बड़ा मॉड मेन्यू है। आपको इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएगी धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे हम लोग अभी सबसे पहले एक काम करते हैं कि एक व्हीकल को हम लोग स्पॉन करके देखते हैं कि व्हीकल स्पॉन होता है कि नहीं होता है इसके अंदर। तो व्हीकल गॉड मेन्यू भी हम लोगों ने ऑन कर दिया तो हमारा व्हीकल बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। और इसके बाद फिर लाइसेंस प्लेट मेन्यू, आप अपने हिसाब से इसमें लाइसेंस जो प्लेट है आप उसको मॉड कर सकते हो, उसमें अपना नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं और व्हीकल लाइट्स और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। लिवरी आप उसमें डाल सकते हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ पे आके उसको चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे कोई सबसे पहले तो कोई गाड़ी को स्पॉन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं व्हीकल स्पॉनिंग के अंदर और यहाँ पे हम लोग जाते हैं सबसे पहले कोई हेलीकॉप्टर स्पॉन कर सकते हो, साइकिल स्पॉन कर सकते हो, कमर्शियल गाड़ी को स्पॉन कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कोई कार को हम लोग स्पॉन करते हैं, सिडान है यहाँ पे, सर्विस कार है, कोई स्पोर्ट्स कार है,
तो सुपर सुपर में हम लोग जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ जिनको हम लोग यहाँ पे स्पॉन कर सकते हैं। तो हम लोग किस गाड़ी को स्पॉन करें, तो रैंडमली हम लोग किसी भी एक गाड़ी को स्पॉन करके देख लेते हैं। चलो इसको स्पॉन कर लिया हम लोगों ने, तो ये देख सकते हो हम लोग स्पॉन हो चुके हैं। और इवन आप नीचे जो हमारा जो स्पीडोमीटर है वो भी आप चेक कर सकते हो, नीचे हमारा स्पीडोमीटर आ चुका है। तो अब इसके बाद मैं आपको इसका जो वेदर वेदर है सारी चीज़ें मैं आपको वो चेंज करके दिखा देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत शानदार रात हो रही है, खूबसूरत रात हो रही है, बट हम लोगों को रात अच्छी नहीं लग रही है अभी। तो हम लोग सिंपल सा जाएंगे, और टाइम है इसके अंदर, आप टाइम चेंज कर सकते हो। टाइम के अंदर आप नून कर दो, आफ्टरनून कर दीजिए। चलो आफ्टरनून हो गया, दिन हो गया, अभी एकदम से रात से दिन हो गया, फिर इवनिंग हो गई। अब इसके अंदर हम लोग फिर वेपन्स को भी स्पॉन कर, यानी वेपन्स भी हम लोग इसके अंदर ला सकते हैं, और गेट ऑल वेपन्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास वेपन्स के मामले में कुछ भी नहीं है। तो एक बार हम लोग वेपन्स को जाते हैं, ऑल वेपन्स एडिड। तो अब ये देखो आप सारे वेपन्स हमारे उसमें आ चुके हैं। मैं एक बार बैक आता हूँ और साइड आ जाता हूँ, वरना कोई गाड़ी वाड़ी आके ठोक जाएगी, कोई मतलब नहीं है। ये देखो आप सारे वेपन्स हमारे उसमें ऐड हो चुके हैं, सारे ग्रेनेड, सारी चीज़ें हमारे उसमें ऐड है। चलो एक बार हम लोग इसको यूज़ करके हमारी जो गाड़ी है उसको ही ब्लास्ट कर देते हैं। ग्रेनेड हमने यहाँ पे डाला, ये फूटने वाला है। आ जा बेटा सामने आ जा। अब ये देख सकते हैं हम लोगों ने ग्रेनेड यहाँ पे डाल रहे हैं, बट फिर भी हम लोग, यानी जो गॉड मोड है हमारा, वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑन कर दिया है, तो इस वजह से हम लोग नहीं मर रहे हैं बिल्कुल भी। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं, यानी बहुत सारे जो गेमर्स हैं उनके उसमें उनकी हेल्थ कभी कम नहीं होती। अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार ध्यान से देखिएगा। तो ये ऐसे ही वो सब चीज़ें करते हैं, वो लोग भी मॉड करते हैं चीज़ों को, और वो भी ऐसे ही सब प्ले करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसे और इंटरेस्टिंग मॉड से रिलेटेड और ऐसी चीज़ें लेकर आता रहूँ। क्योंकि चैनल मेरा बिल्कुल नया है, मैंने अभी नया नया स्टार्ट करा है, तो मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। तो हमारी गाड़ी जैसे वापस से बिल्कुल नई हो गई, क्योंकि हम लोगों ने इस पर भी गॉड मेन्यू ऑन कर रखा है। तो ऐसी आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलेगी। तो गाइस उसके लिए आपको हमारे चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, तो वो इसी वजह से होगा। तो आई होप आप इतना सपोर्ट करोगे मुझे, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहो हमारे साथ। तो और मिलते काफ़ी जल्दी एक और नई फ्रेश कमाल की वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब अपना ध्यान रखिए, और मिलते जल्दी।